हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं अपने किचन में तल रही हूँ ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। ये हैं मसाला कचौड़ी जो बहुत ही टेस्टी लगती हैं आलू की सब्ज़ी के साथ, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब टाइम है ये खस्ता मसाला कचौड़ियाँ बनाकर दिखाने का आपको और सिखाने का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, साथ साथ 2 चम्मच साबुत धनिया, उसके अलावा 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ सौंफ, साथ साथ ही 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच ही मैंने ली है तिल, 1 चम्मच मैंने ली है काली मिर्चें, 2 से 3 मैंने ली है लौंग, 1 से 2 मैंने ली है हरी इलायची, साथ साथ तेज पत्ते ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ क्योंकि छोटे हैं मेरे पास, अगर आपके पास बड़ा है तो आप एक ही ऐड करें। चला लेते हैं मसालों को, मसाले बिल्कुल लगने ना पाएँ, बिल्कुल लो फ्लेम रखें और लगातार इसको चलाते रहें। 2 मैंने साबुत लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं, तो लगातार इसको चलाती जा रही हूँ, बिल्कुल इसका रंग नहीं बदलने दिया है। और इसको ड्राई रोस्ट करके मैंने निकाल लिया एक बाउल में, जब तक कि ये ठंडा होता है तब तक हम चलते हैं, हम भूनते हैं बेसन। तो 1/4 कप मैंने लिया है बेसन, इसी कप का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेजरमेंट के लिए। ये 1/4 कप बेसन को अच्छी तरीके से हम ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल कच्चापन बेसन का चला जाए इतना। तो ये 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से मैं इसको भूनने वाली हूँ। एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है जब बेसन भुनने लगता है, तो बस उसके बाद उसको ठंडा करूँगी। और जो खड़े मसाले मैंने रखे थे साइड में, अब उसमें ऐड करते हैं ड्राई स्पाइसेस। तो 1 चम्मच सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, साथ साथ 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग, 3/4 चम्मच काला नमक, उसके अलावा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, साथ साथ 1 चम्मच चाट मसाला, और जो हमने बेसन भूना था 1/4 कप, अब वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पीस लेते हैं हम मिक्सी में। तो मैंने चला लिया इसको मिक्सी में, और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से मसाला बनकर तैयार है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि रंग बहुत अच्छा आ जाएगा, साथ साथ ही कुछ और मसाले जैसे कि अदरक का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, साथ साथ ये लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो ये पहले भी ऐड कर सकते हैं, जब आप इसको मिक्सी में चलाएंगे उससे पहले भी इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से बहुत ही अच्छा इसमें रंग आएगा, तो अब आपको पता चलेगा कि रंग कैसा आएगा, क्योंकि मैं अब इसमें निचोड़ रही हूँ पहले 1 नींबू का पूरा रस, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करूँगी, तब आपको इसका असली रंग दिखाई देगा। पानी इसमें बहुत कम, 1-2 चम्मच ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ इसको इस में लाना है, इस कंसिस्टेंसी में लाना है कि ये बाइंड हो सके बस। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने 1/4 कप पानी लिया था लेकिन सिर्फ 2-3 चम्मच ही ऐड करा, और ये अच्छी तरीके से अब मसाला इसमें फॉर्म में आ गया जैसा मुझे चाहिए। देखिए मैं इसको हाथ से दबा रही हूँ, तो ये सिमट रहा है एक साथ, यानी कि ये बाइंड बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो ये मसाला बिल्कुल अब तैयार है कचौड़ी के अंदर भरने के लिए। तो ये मसाला अब हम रखते हैं साइड में, बिल्कुल बढ़िया हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं, लगाते हैं आटा कचौड़ी के लिए। तो मैंने 1 कप लिया है गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लार, और 1 कप मैंने लिया है मैदा, दोनों को मिक्स करके बराबर क्वांटिटी में मैंने लिया है, साथ साथ 1 चम्मच डाली है अजवाइन, और 1/4 कप मैंने लिया है घी। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कचौड़ी अगर आप चाहते हैं कि खस्ता बने तो घी का ही इस्तेमाल करें, तभी आपकी कचौड़ियाँ खस्ता बनकर आएंगी। अब देखिए आप, मैं इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि घी इवनली आटे में मिक्स हो जाए, और ये बंधने लगा है, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया है ये अब गूंदने के लिए। तो जब हम खस्ता कोई चीज़ बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि घी की प्रपोर्शन हम अच्छी लें, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 कप में 1/4 कप घी का इस्तेमाल करा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है ये कि आटा आपका जब आप घी मिक्स करें उसमें, तो बहुत अच्छे से बनना चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप हाथ में लेके उसे दबाएंगे तो वो बनने लगेगा, वही निशानी है एक अच्छी मोइन का, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया है खस्ता चीज़ बनाने के लिए आटा। साथ साथ जो पानी का आप इस्तेमाल करें, गुनगुना या गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ पानी अच्छा ठंडा होना चाहिए आपका, जिससे आप आटा लगाएं। एकदम फ्रिज का पानी ना निकाल के आप इसमें ऐड करें, बल्कि फ्रिज के पानी में थोड़ा सा आप अपना घर का नॉर्मल रेगुलर वाटर मिला लें, और उसके बाद उस ठंडे पानी से आटा लगाएं। तो जब आप कोई भी खस्ता चीज़ बनाएंगे, एक तो वो खस्ता बनेगी, साथ साथ उसमें जैसे बबल्स आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। तो आटा बिल्कुल हमारा लगकर तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी अब साइड पर, और उसके बाद बनाऊँगी इससे कचौड़ियाँ।
तो ये बिल्कुल तैयार है सब चीज़ें। अब जो हमने मसाला प्रिपेयर करा था उसमें मैं ऊपर से डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया, साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप चाहें तो थोड़ा सा भून के भी डाल सकते हैं कसूरी मेथी को, या फिर आप इस तरीके से भी डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। तो कटा हुआ बारीक धनिया ऐड कर दिया है और साथ साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी मसाले में, और मसाला तो हमारा है ही बहुत ही चटपटा। तो ये मिक्स कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बाइंड करके दिखाती हूँ, ये अच्छे से बिल्कुल बंध रहा है, बॉल भी बन रही है इसकी आराम से। ऐसा ही हमें बिल्कुल मसाला चाहिए अंदर फिल करने के लिए। अब एक दो मिनट तक मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया है चकले पे रख के, और उसके बाद इसको इक्वल साइज़ की डो बॉल्स में मैंने डिवाइड कर लिया है। एक डो बॉल मैंने ले ली है, उसको हम एक अच्छी थिक पूरी का साइज़ में मैं उसको रोल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मैंने अपना चकला और बेलन को तेल से ग्रीस कर लिया था, उसको चिकना कर लिया था तेल से, और उसके बाद ये थिक साइज़ की एक अच्छी मोटी मैंने पूरी बनाकर तैयार कर ली है, जिसके अंदर मैं अब भर रही हूँ ये फिलिंग, जिसको मैंने बॉल बना लिया था फिलिंग का। फिलिंग भर के इसको कर रही हूँ टाइटली सील। तो आप देखिए, पहले मैंने इस तरीके से इसको सील करा, लेकिन अभी ये बिल्कुल सील नहीं हुई है। यही चीज़ का ध्यान रखना है खास कचौड़ी बनाते हुए। ये देखिए, दोबारा मैं इसको डोबल के साइज़ में कर रही हूँ, और उसके बाद दोबारा मैंने इसको पिंच करा, और बिल्कुल आपको क्रैक नहीं दिखाई देना चाहिए जब आप उसको पिंच करके बंद करें। इससे क्या होगा कि जब आप कचौड़ी बनाते हैं, भले ही आपकी कचौड़ी तेल में ना खुले, लेकिन उसमें आ जाएंगे क्रैक्स। कचौड़ी जब तक बिल्कुल एक सार ना हो, क्रैक फ्री ना हो दोनों साइड से, तब तक देखने में सुंदर नहीं लगती। फूली हुई कचौड़ी होनी चाहिए, दोनों साइड से क्रैक फ्री होनी चाहिए, तभी कचौड़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो ये देखिए, बनकर तैयार है बिल्कुल एक, और ये दूसरी भी मैं इस तरीके से बेल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। सारी कचौड़ियाँ पहले मैं बेल कर तैयार कर दूँगी, और तेल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। पहले तेज़ गर्म कर लिया मैंने तेल को, उसके बाद जब हम कचौड़ी उसमें डालेंगे तो फ्लेम कर दूँगी मैं बिल्कुल लो। तो ये भी मैंने पूरी के साइज़ में बेल लिए, उसके अंदर ये फिलिंग रखी। ये देखिए, इसको कर देते हैं सील। पर ये फर्स्ट जो सील मैं कर रही हूँ, इससे बिल्कुल आपकी कचौड़ी, अगर आप एक बार करेंगे तो बिल्कुल आपकी कचौड़ी डेफिनेटली खुलने वाली है तेल में। तो फिर मैंने इसको दोबारा रोल करा एक बार सील करने के बाद, और ये देखिए, ये जो क्रैक्स आ जाते हैं इनको हमें दोबारा बंद करना है। तो ये बंद कर दिया मैंने दोबारा, और अब आप देखेंगे कि बिल्कुल क्रैक्स नहीं दिखाई देने चाहिए, ये एक सार हो जानी चाहिए दोनों साइड से। और अब मैं इसको कर रही हूँ फिर से रोल, बिल्कुल जेंटल हाथों से आप इसको रोल करें, बिल्कुल आपको दम नहीं लगाना है इसमें, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रोल करें मसाला, ताकि अंदर ही रहे हमारी कचौड़ी के। और ये बनकर तैयार है दूसरी हमारी कचौड़ी। इस तरीके से मैंने सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये आप देखिए, सात कचौड़ियाँ बनी हैं पूरे 2 कप आटे से। अच्छी बड़े साइज़ की मैंने कचौड़ी बनाई है, आप चाहें तो छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं, और उसमें फिर काफ़ी क्वांटिटी में आपकी कचौड़ियाँ बन जाएगी काफ़ी लोगों के लिए। तो तेल को अच्छा गर्म कर लें तेज़, बहुत स्मोकिंग हॉट नहीं करना है, अच्छा तेज़ गर्म करना है, और उसके बाद फ्लेम करना है बिल्कुल लो, और बिल्कुल धीमी आंच पे कचौड़ियों को पकाना है। धीमी आंच पे जब कचौड़ियाँ पकेंगी तो अपने आप बहुत ही खस्ता बनेंगी। जो पहले टिप्स दिए हैं मैंने आपको, वो भी बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें, और ये पकाने की जो टिप है कि आप इसको लो फ्लेम पर अच्छा पकाएँ, तो कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनकर आती है। तो ये देखिए, धीमी आँच पर मैंने इसको डाल दिया है, छोड़ दिया है, काफ़ी देर तक धीमी आँच पर रहने देंगे, लेकिन जब ये ऊपर आ जाए इस तरीके से, तब आप फ्लेम को मीडियम पिक आराम से करके कचौड़ियों को सेक सकते हैं दोनों साइड से उलट पलट करके। तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम, और कचौड़ियों को मैं, ये देखिए, साइड्स ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं इसकी, और दोनों साइड से अच्छा ब्राउन सेकना है। आप देख सकते हैं एक भी क्रैक आपको किसी कचौड़ी में नज़र नहीं आ रहा है, साथ साथ बिल्कुल बढ़िया सिकी हुई कचौड़ियाँ हैं ये, नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा कि कचौड़ियाँ हमारी फट जाती हैं। तो बिल्कुल तैयार है कचौड़ियाँ, अब इसको निकाल लेते हैं। मैंने एक पेपर टॉवल लगा रखा है जिसके ऊपर मैं कचौड़ियाँ निकाल रही हूँ, ताकि सारा एक्सेस ऑयल जो है इनमें से वो निकल जाए, पेपर टॉवल पर आ जाए, और उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म करेंगे सर्व आलू की सब्ज़ी के साथ, जो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं चेक करा है तो ज़रूर से चेक कर लें। तो ये है बढ़िया गर्मा गर्म तली हुई खस्ता मसाला कचौड़ी। देखिए कितनी खस्ता है ये, वो तो आपको दिखाना ही है मुझे। तो ये ले लिए कचौड़ी, और ये है बहुत ही बढ़िया सी खस्ता कचौड़ी, अंदर से है बिल्कुल बढ़िया मसाले से फिल्ड।
तो कचौड़ियाँ कितनी खस्ता बनी है और अंदर से फिलिंग कितनी बढ़िया लग रही है ये तो आपने देख लिया। अब टाइम है इसको गर्मा गर्म सर्व करने का आलू की सब्ज़ी के साथ, जिसके साथ इसका टेस्ट हो जाता है दुगना। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, साथ साथ बहुत ही टेस्टी मसालेदार लगती हैं ये कचौड़ियाँ आलू की सब्ज़ी के साथ। तो अगर आपने मेरी ये रेसिपी चेकआउट नहीं करी है तो ज़रूर से चेक कर लें इस रेसिपी का पहले वाला पार्ट, जिसमें मैंने बनाई है ये मज़ेदार आलू की सब्ज़ी। तो है ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, जिसे मैंने बिल्कुल कोशिश करी है कि उसी तरीके से लेकर आ सकूं आपके सामने। अगर आपको पसंद आई है मेरी ये कोशिश, ये रेसिपी, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर मेरे चैनल की वीडियोस भी आपको आती हैं पसंद और आप देखते हैं अक्सर मेरी वीडियोस, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब का बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है, जिसे क्लिक कर आप बन सकते हैं मेरी फैमिली का पार्ट, जो कि बिल्कुल है मुफ्त। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए ये रेसिपी। गॉड ब्लेस, बाय बाय।